चलिए खबरों में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े कार को रोककर कार चालक का अपहरण कर लिया गया और फिर उससे फिरौती की रकम भी मांगी गई। इतना ही नहीं, उसके बाद उस पर चाकू से हमला भी किया गया। हालांकि कार चालक को गंभीर चोटें तो नहीं आई है, जिसके बाद उसने तत्काल सुपेला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हालांकि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीन अन्य आरोपी की तलाश जारी है। के वैकुंठ धाम के आसपास ले गए थे, जहाँ पर इन्होंने 50,000 रुपये की रकम की मांग की थी। रकम नहीं देने पर इन्होंने इस पर जो प्रार्थी शैलेंद्र कुमार वर्मा है, इस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसको चोट आई थी। चोट का इलाज वगैरह करा रहा था। इस दौरान पर उसके रिपोर्ट करने पर पुलिस ने धारा 364A, 341, 294, 323, 506 और 120 बी IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद में विवेचना कर रहे थे। विवेचना के दौरान पे पुलिस ने दो आरोपियों श्रवण मंडल और रतन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।